नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। मैं राम जयन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को आगे की ओर मूव करेंगे। आज सभी को पता होगा कि आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। जानते हो ना, नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज नियॉन साइन लैंप डिस्कस करेंगे, साथ में अपन देखेंगे कि आर्क लैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों लैंपों के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से बेटा लाइव आ जाएं। टाइम हो चुका है आपका 10:01, और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जरूर देख लेते हैं। अंकित कुमार, वाओ, जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर के फूल बना देते हैं। बिल्कुल, क्या बात है अंकित कुमार, शाबाश, बिल्कुल सही बात है कि जो मेहनत करोगे तो बेटा कुछ भी हो सकता है, मेहनत कर लो। चंदन प्रसाद, गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल नमस्ते। ओके चलें, नालंदा के बिहार से। ओके पुष्पेंद्र, गुड मॉर्निंग्स। ओके लोकेश कौंत, गुड मॉर्निंग्स। जल्दी से बेटा लाइव आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। बेटा एक चीज मैं बता दूं यार, मैंने ना कल एक कमेंट देखा था आपका। देखो एक चीज है, मैं डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अब हो गई गलती तो डिस्कस करनी जरूरी है। बेटा एक प्रदीप्ति में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, और उसमें बेटा मेरा थोड़ा गलत हो गया था, पता नहीं माइंड कहाँ चला गया था, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। आज जल्दी आ जाए बेटा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस लिखा देता हूँ, शायद आप देखें पिछली वीडियो में देख लें, आपको लेक्चर नंबर है यहाँ से, जब प्रदीप्ति पढ़ा रहा था आपका, प्रदीप्ति के मैं नियम बता रहा था, प्रदीप्ति का जो आपका सेकेंड लेक्चर था ना, तो उसमें बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको ना, तो उसमें कोस की वैल्यू मैंने वहां पर कहा था कि मैक्सिमम आपका कहाँ पर होगा। तो वैसे तो मैंने आपको बता रहा था, हालांकि मैं बोल तो सही रहा था, पर बेटा टिक मैंने वहां पर गलत कर दिया था। देखें कि जो आपकी कोस की थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कोस की वैल्यू हमेशा घटती है ना, तो वहां पर अपने को क्या करना है कि अधिकतम प्रदीप्ति कब प्राप्त हो सकती है, जब कोस की वैल्यू जीरो होगी। और बेटा मैंने वहां पर आपको 90 डिग्री कर दिया था, उसको सही कर ले आप, ठीक है ना। हो जाती है थोड़ी बहुत गलतियां यार। चलें, शशिरा मीणा गुड मॉर्निंग्स, अंजुन परिहार गुड मॉर्निंग्स। ओके तो किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो बेटा बता दें। कल कमेंट देखो, एक चीज है, पढ़ा दिया था कमेंट आपके बाद में आए, तब बेटा मेरे को पता चला कि हाँ यार मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। तो बेटा कोई भी दिक्कत हो ना तो आप कमेंट कर दिया करो, ओके देख ले, क्योंकि यार इधर बहुत सारा ऐसे सिस्टम रहता है कि इधर देखें इतने बेटा कोई चीजें निकल जाती है दिमाग से, हो जाता है कई बार। राम राय मीणा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग्स। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ने वाले आज, नियॉन साइन लैंप। बहुत ही अच्छा है ये जो नियॉन साइन लैंप है ना, यूज कहाँ करते हैं अपन, सबसे पहले तो बता दें बेटा कि कहाँ यूज करते हैं, थोड़ा देखा देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो बेटा जो नियॉन साइन लैंप आपने देखा होगा कहीं पर भी, आप शॉप वगैरह पे गए होंगे है ना, तो वहां पर अपने पास ऐसा मिलता है कि किसी की शॉप की बात कर लेता हूँ मैं, जैसे अग्रवाल टेक्सटाइल है ना, तो बेटा वो अपन रात को जाते हैं, अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, रात को अपने पास वो जलता हुआ दिखता है, अपने को लगता है इसके अंदर कुछ लाइट है ना। तो बेटा वहां पर जो लैंप यूज किया जाता है वो आपका नियॉन साइन लैंप यूज किया जाता है। जैसे आपने कभी सिंबल देखा होगा कि नाइकी के शोरूम में गए होंगे, वुडलैंड के गए होंगे, वहां पर वो वुडलैंड लिखा होता है, नाइकी लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, और रात को देखते हैं अच्छी तरह से चमकता है, दूर से ही पता चलता है ना। तो वहां पर जो बेटा नाइकी के लिए, एन के लिए, जो आपको दिखाने के लिए लाइट को जो बल्ब यूज किया जाता है आपका, वो होता है नियॉन साइन लैंप। ये लैंप होता है ना, नियॉन साइन लैंप है, ये लो प्रेशर लैंप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो अपन वाष्प वगैरह भरेंगे ना, अभी थोड़ी देर में नियॉन गैस डालेंगे इसमें है ना, निष्क्रिय गैस डालेंगे, नियॉन डालेंगे, आर्गन भी डाल देंगे, वो तो अपने कलर पर डिपेंड करेगा कि कैसा अपने को कलर चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा गैस के लिए कौन सा कलर होता है ना। तो वो गैस आपके डाल देगा और सिंपल लैंप रहेगा, ठीक है ना। कुछ थोड़े दबाव से डालता है, 20 से 30 वायुमंडलीय दबाव रहता है इसका गैस डालने का। अभी देखते हैं चंदन प्रसाद विज्ञापन में, बिल्कुल बेटा विज्ञापन, वो विज्ञापन ही तो है
है ना। लोकेश कुमार स्टार स्टार ओके बिल्कुल। अंकित कुमार ओके बिल्कुल। पहले ही सजेशन आ रहा है कि मार्कर डार्क यूज करें। बिल्कुल बेटा आपके लिए मार्कर डार्क यूज करेंगे तो सर थोड़ा मोटे वाला मार्कर ओके बेटा ठीक है ना, अभी आपके लिए मोटा मार्कर यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलें स्टार्ट करें फिर, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ना। तो देखें आगे हेडिंग डालो न्योन साइन लैंप। कौन सा अपना न्योन साइन लैंप विज्ञापन में यूज करते हैं ओके। नहीं देखा तो बेटा आपको मैं डायग्राम है ना लास्ट में टेक्निकल टीम को कह के मैं दिखाऊंगा आपको ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो न्योन साइन लैंप होता है किसकी तरह, कल अपन ने पढ़ा फ्लोरोसेंट लैंप है ना। तो बेटा ये याद रखें कि फ्लोरोसेंट लैंप की तरह ही होता है। अब फ्लोरोसेंट याद नहीं रखना है, लो प्रेशर मर्करी वेबर लैंप याद रखना है। फ्लोरोसेंट लैंप को क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट को, लो प्रेशर मर्करी वेबर लैंप। तो अपन कह सकते हैं पहले अपन थोड़ी थ्योरी लिख देते हैं फिर उसके बाद बेटा इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखें और काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं इसके ठीक है ना। तो देखें यह लैंप आपसे पूछ ले कि किस की तरह होता है, तो ये लिखें यह लैंप लो प्रेशर निम्न लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की तरह ही होता है, की तरह होता है। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को अपन क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं ना। तो बेटा फ्लोरोसेंट लैंप में भी अपन एक क्या कर रहे थे, ट्यूब यूज कर रहे थे, कांच की नली यूज कर रहे थे, उसी प्रकार बेटा अपने को क्या करना है, न्योन साइन लैंप में भी एक ट्यूब खोखली नली यूज करनी है ओके। और वो जो बेटा वहां पर अपने यूज कर रहे थे एक से पांच फुट की यूज कर रहे थे ना, फ्लोरोसेंट लैंप में कितनी कर रहे थे, एक से पांच कर रहे थे, तो यहां पर कितनी की कर लेंगे बेटा, एक से पांच मीटर की यूज करते हैं ठीक है ना। तो याद रखें नीचे नेक्स्ट एरो डाल के बेटा साथ साथ में आप लिखते रहें कि इसमें एक से पांच मीटर लंबाई की, इसमें एक से पांच मीटर लंबाई की, ये TG2 में क्वेश्चन पूछा गया था 24 जनवरी को ना, शायद 24 जनवरी को पूछा गया था। इनमें एक मीटर से पांच मीटर लंबाई की तथा व्यास भी बेटा मैं साथ में लिखवा देता हूं। तो देखें 10 से 20 सेमी व्यास, व्यास मतलब बेटा आपका डायामीटर, क्या होता है डायामीटर की एक कांच की नली होती है ठीक है ना। एक नली लेते हैं व्यास की, एक नली यूज करते हैं जिसे न्योन साइन ट्यूब कहा जाता है ओके। साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा, समझ में आता रहे ना, अच्छा समझ में आएगा। पहले तो ये बताएं कि मार्कर डार्क है कि नहीं है, कुछ बच्चों, अंकित कुमार का मैसेज था ना ये, सर मार्कर डार्क यूज करना, बेटा बताएं कि मार्कर डार्क तो है ना, समझ में आ रहा है। अब थोड़ी राइटिंग बेटा थोड़ी सी देखो ऐसी है, समझ में आ रही होगी राइटिंग, बता दें बेटा राइटिंग समझ में आ रही है ना आपको प्रॉपरली। बिल्कुल चंद्र प्रसाद गुड मॉर्निंग सर ओके। अंकित कुमार ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहो यार, अपने देखो रात में तो ठीक ठाक लाइव आ जाते हैं और वहां पर भी बेटा मैं 50 प्लस चाहता हूँ और यहाँ पर तो बेटा बहुत कम आते हैं, क्या कारण है यार, मजा नहीं आता क्या। देखो कितना सिंपल लैंप पढ़ा रहे हैं, देखो क्या करना है, इसमें आपको एक कांच की नली यूज में लेनी है, ये लो बेटा एक मैंने नली ले ली जिसकी लंबाई कितनी होती है, एक से पांच मीटर होती है, ले ली बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ये लो यहां पर अपने पास इलेक्ट्रोड लगा दो भाई इसके, ये लो
नले यूज किया, इलेक्ट्रोड लगाए और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। जो चीजें मैंने लिखी है वहां पर लिखवा दी, एक एक्स्ट्रा चीज लगा दी मैंने, यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो यहां पर भी लिख देते हैं, नली के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड स्थापित करते हैं, नली के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड स्थापित करते हैं, कर दिया बेटा, जो किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रोड लिखाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोड का मतलब टंगस्टन यूज कर लिया अपने, ठीक ना। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं। अब ध्यान रखें कि इसमें बेटा या तो अपन क्या करेंगे, न्यून गैस भरनी है। क्या भरनी है इसमें आपको, न्यून गैस भरनी है। बेटा मैंने क्या किया कि इसको पहले तो निर्वात बनाना है, सुनते रहे, पहले तो इस ट्यूब को निर्वात बनाना है, निर्वात करना है, ठीक है ना। तो अब निर्वात करें कहां से बेटा, यहां से मैंने एक क्या कर दिया आपका, निकाल दिया है ऐसा टर्मिनल ये। इससे पहले बेटा मैंने क्या किया, इसमें निर्वात पैदा किया, निर्वात पैदा करने के बाद में बेटा मैं इसके अंदर क्या भरना चाहता हूँ, गैस भरना चाहता हूँ। और गैस कौन सी है बेटा, नाम से पता चल रहा है नियोन गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भर दी अपन ने इसके अंदर, नॉर्मली मैं बात करता हूँ तो नियोन गैस मैंने इसमें भर दी है। और बेटा किस वायुमंडलीय दाब पर, मतलब कि आपका कितना प्रेशर रहता है इस गैस का, तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 20 mm दाब से भरी जाती है गैस, जो भरी जाती है वो भरी जाती है आपकी 20 mm के दाब से। इसमें अपन ने क्या कर दिया है, गैस को भर दिया है बिल्कुल राम राय मीणा। 9 से 1000 वोल्टेज चालू होने के लिए कितनी चाहिए, 900 से 1000 वोल्टेज अपने को इसमें चालू होने के लिए जरूरी होता है। वो कैसे जरूरी होता है कि अगर आपकी ट्यूब एक मीटर की है ना, तो आपको 900 से 1000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। अगर ये ट्यूब अपने 5 मीटर लंबी में मान लेता तो कितना हो जाता बेटा, 1000 से 5000। ओके, 1 मीटर के लिए बेटा कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी चालू करने के लिए, 1000 की, 900 छोड़ो तुम, डायरेक्ट याद रखो, 1 मीटर ट्यूब लिया अपने, माना 1 मीटर ट्यूब है, इसको चालू करना है तो कितने वोल्टेज की शुरुआत में आवश्यकता होगी, 1000। 2 मीटर ली तो बेटा 2000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी चालू करने के लिए इसको। बात करते हैं कि भाई इसको अगर मैं 5 मीटर लंबी ले लेता, क्योंकि 1 से 5 मीटर बनाई जाती है, अगर मैं 5 मीटर ले लेता तो बेटा कितनी वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है आपको, कितनी वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है आपको, 5000 वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अरे बेटा 11000 वोल्टेज नहीं होता, ठीक है ना, आप कहाँ की बात कर रहे हो। तो बेटा बिल्कुल सही है राम राय कि आपको क्या करना है, 1 मीटर ट्यूब के लिए आपको 1000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी स्टार्टिंग करने के लिए। ओके, उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल है मामला, उसके बाद तो क्या कर सकते हैं अपन, है इसको चालू हो जाएगी। तो बेटा इसमें अपन लिख देते हैं, इस ट्यूब को प्रचालन के लिए, इस ट्यूब को प्रचालन के लिए, तो देखें यहां पर है, यहां पर लिख देते हैं कि इस लैंप को प्रचालन के लिए देखो बेटा 900 वाला डाटा याद नहीं रहेगा, डायरेक्ट अपने को क्या रखना है, 1000 वोल्ट प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर की ट्यूब ली है तो 1000 वोल्टेज की आपको आवश्यकता होने वाली है। तो लिख दें कि प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से, प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से जरूरत पड़ती है। ओके, अब बेटा ओके ठीक है, मामला कर दिया, ये कनेक्शन अपने बेटा यहां से इसको इसमें टच कर दो, नीचे अपने पास 2 टर्मिनल बच गए, यहां से अपने क्या करना है, सप्लाई देनी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सप्लाई कौन सी दे दें, ये जो स्टार्टिंग में इसको कितनी वोल्टेज चाहिए, 1 मीटर ली है तो 1000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी, है ना,
देखो प्रति मीटर लिखा, इसी लिखे इसलिए लिखा प्रति मीटर, मतलब एक मीटर के लिए 1000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। 2 मीटर ले ली तो 2000 वोल्टेज की आवश्यकता हो जाएगी। 3 मीटर लिए आपने तो 3000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। और 4 मीटर लिए तो 4000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं, चलो ठीक है कि हमने वोल्टेज को डिस्कस कर लिया कि भाई 1 मीटर के लिए 1000 की रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर जो सप्लाई है वो कौन सी देने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो बेटा यहाँ पर जो सप्लाई करेंगे अपन वो या तो बेटा अपन एसी लेंगे या फिर डीसी, दोनों पर काम कर सकती है ये। नियॉन साइन लैंप आपका दोनों सप्लाई पर काम कर सकता है, ओके। पर बेटा इसमें एक ही लोचा है, इसमें एक लोचा है कि आपका डीसी पर तो करता है बेस्ट वर्क, बिल्कुल बेस्ट, अच्छी तरह से रहता है। इसमें आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज रहती है डीसी पर, इसीलिए अपन ज्यादा इसको डीसी पर यूज नहीं करना, ज्यादा अपन एसी पर यूज करते हैं। एफिशिएंसी काफी बेटर रहती है, इसका ल्यूमेन फ्लक्स भी बेटर रहता है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी बेटर है, सब कुछ बेटा एसी पर काफी अच्छा काम करती है, डीसी पर इतना काम नहीं करती है। और इसकी लाइफ भी बेटा डीसी पर घट जाती है, एसी पर नहीं घटती है। तो ज्यादा एसी यूज करना है, डीसी को कम यूज करना है। वैसे आपसे पूछे कि नियॉन साइन लैंप किस पे वर्क कर सकता है, तो दोनों सप्लाई पे आपका वर्क कर सकता है, डीसी एसी। अंकित कुमार बिल्कुल सही है। ओके कुछ जयपुर से, ओके राम राय मीणा जयपुर से, ओके 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करें, और इसमें क्या होता है कि दोनों सप्लाई पे काम करेगी। तो नेक्स्ट बेटा आप नोट करके लिख लें कि दोनों सप्लाई पे वर्क करेगी, लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मैं एक बात करूं कि ये तो मैंने एक आपके 1 मीटर के लिए बात की है, नीचे अगर मैं 1 से 5 मीटर ट्यूब ले रहा हूं तो उसमें कितनी वोल्टेज की रिक्वायर्ड होगी, तो इसको भी नोट कर लें बेटा कि कहीं आप भूल ना जाओ यार। तो लिखवाने में कुछ नहीं है, कोई 1 मिनट और ज्यादा लग जाएगा। तो लिख दें 1 से 5 मीटर नियॉन साइन लैंप को ऑन करने के लिए 1000 से 5000 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो अपने पास क्या हो जाएगा, इतनी वोल्टेज की रिक्वायर्ड हो गई है। अब इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल समझ लो। जैसे ही अपने को यहां पर जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रोड, और ये भी क्या है अपने पास इलेक्ट्रोड, हो गया। अपने को क्या करना है कि इसको वर्किंग देखनी है, सप्लाई दे दी है, सब कुछ मामला हो गया है, अब काम कैसे करेगी वो देखें। सप्लाई जैसे दी मैंने, माना ज्यादातर अपने को एसी देनी है, ठीक है ना, दोनों पे काम करती है, आपने नोट किया होगा। अब जैसे ही अपन सप्लाई देंगे तो ये ढक्कन वक्कन सब बंद रहते हैं क्योंकि गैस भरती है बेटा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रोड के बीच में आपका स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होने वाला है, 1000 से 5000 वोल्टेज का रहने वाला है। 5 मीटर की मान के लेके चलता हूं तो कितना रहने वाला है, 5000 वोल्टेज रहने वाला है। दोनों टर्मिनल के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 5000 वोल्टेज। अब 5000 वोल्टेज है तो अब क्या होगा कि आपने अगर नियॉन गैस भरी है इसका भी तो क्या होगा, आयनीकरण होने लग जाएगा। इलेक्ट्रोड गर्म होगा, थोड़ा सा गर्म होगा आपका इलेक्ट्रोड, तो आयनीकरण कर देगा। पर ध्यान रखें ये लैंप आपका बहुत ठंडा है, गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। इसको आप चलते हुए पकड़ लो बेटा, ठंडा ही महसूस होगा। जैसे अपन बात कर रहे थे कि मरकरी वेपर लैंप की भी बात कर लो बेटा, उसको भी पकड़ लो, इतना गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। एक ये उदित लैंप में दिक्कत है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसके अलावा और लैंप सारे अपने ठंडे रहते हैं। तो यहां से अपने पास क्या हो गया कि नियॉन गैस अपने पास भरी हुई थी, पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास 5000 का चल रहा है। तो ये जो गैस है ये क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना चालू कर देगी। नियॉन गैस का क्या हो जाएगा, इतने हाई पोटेंशियल पर है, क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा। तो गैस का आयनीकरण बेटा मैंने पहले ही लिखाया था, गैस का आयनीकरण का मतलब क्या होता है, आयनी
करण, या फिर बेटा इसको अपन एक और कह सकते हैं गैस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। इसका मतलब बेटा मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कि गैस डिस्चार्ज या फिर गैस का आयनीकरण का मतलब क्या होता है कि बेटा गैस जो है आपकी वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने लग जाए, इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लग जाए, छोड़ने लग जाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो बेटा अब क्या करने वाले हैं, आपके एसी सप्लाई दे रहे हो तो बेटा पोलरिटी आपकी चेंज होती रहेगी, प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा। मैं एसी के लिए बता रहा हूं, फिर मैं डीसी के लिए बता दूंगा। पोलरिटी आपकी चेंज होती रहेगी। पहले मानना कि अपने पास कोई सप्लाई दी है एसी, तो पोलर आपकी एसी साइन वेव में चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव। माना मैंने पहले साइकिल के लिए इधर पॉजिटिव है ना, और इधर अपने पास नेगेटिव है। अब मैं बात करता हूं पोलरिटी जो इंडिया में 0.001 सेकंड बाद चेंज हो जाती है, टाइम पीरियड निकाल लें आप टी इक्वल 1/f करके, इंडिया के अंदर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो 1/50 इक्वल टाइम पीरियड आपका आ जाएगा, पोलरिटी कब चेंज होएगी ये निकल जाएगा। तो पूरे साइकिल के लिए आता है 0.02 सेकंड है ना टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी से निकाल लोगे ना टी इक्वल क्या होता है 1/f, 1/f, तो वो तो पूरे साइकिल के लिए हुआ। तो हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा 0.001 सेकंड हो गया। तो 0.001 सेकंड में पोलरिटी आपकी चेंज हो जाएगी, प्लस यहां है तो माइनस यहां है, तो 0.0 सेकंड बाद में क्या हो जाएगा, माइनस यहां हो जाएगा, प्लस आपका यहां पर चला जाएगा। तो उस टाइम बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, कि इलेक्ट्रॉन उधर भागने की कोशिश करता है जिधर आपका क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही भागता है क्योंकि बेटा सेम चार्ज तो रिपल करते हैं और बेटा एंटी चार्ज आपके अट्रैक्ट करते हैं, पता ही होगा आपको। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो किधर भागेगा आपका, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। जैसे ही पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बेटा इस गैस के कुछ कण होंगे, जो मैं अलग पेन से बनाता हूं, इस गैस के बेटा कुछ कण है ये लो, क्योंकि ये गैस थी बेटा अब कुछ इलेक्ट्रॉन और कणों में टूट गई है, ये गैस मैंने इलेक्ट्रॉन और कणों में इसको तोड़ दिया है, ये लो ये गैस थे, पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हुआ, ये कुछ कण हो गए गैस के हो गए। अब क्या करेंगे बेटा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो बेटा आगे इस गैस के कुछ कण आगे बेटा इससे क्या करेगा, टकराएगा इलेक्ट्रॉन, टकराएगा। जैसे ही टकराएगा तो आपका क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, और प्रकाश उत्पन्न होगा यही अपने को क्या चाहिए, चाहते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा टकराएगा इन अणुओं के साथ में तो टकराव के कारण इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, इसीलिए बेटा इसमें कोई हीट उत्पन्न नहीं होती। आप गैस डिस्चार्ज लैंप की बात कर लो, उसमें भी आपकी हीट जनरेट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा इसमें टकराव के कारण आपका क्या कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो था इसका वर्किंग। अब बेटा मैं अगर मान लेता हूं ये तो बेटा देखो पोलरिटी चेंज हो रही है इसमें, चलो ठीक है कि एक बार इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा एक तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, टाइम के साथ साथ आपका बदलता रहेगा, इधर 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 होता रहेगा है ना। बात करते हैं अगर अपन मैं डीसी दे दूं तो, ओनली प्योर डीसी दे दूं तो, डीसी तो बेटा स्टेट चलने वाली है, पोलरिटी एक बार पॉजिटिव इधर आ गई, एक बार नेगेटिव इधर आ गई ना, तो हमेशा फिक्स है ये, तो बदलने वाला नहीं है, जानते हैं अपन है ना। तो पोलरिटी एक बार अपनी फिक्स हो गई है, बदलने वाली नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर खींचेगा तो इसके साथ टकराव होता रहेगा और प्रकाश उत्पन्न करता रहेगा, हाँ प्रकाश उत्पन्न करता रहेगा ओके। और ये क्या करेगा आपके इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन टच नहीं कर पाता, कुछ इलेक्ट्रॉन टच कर पाते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इससे टकराव भी होता रहेगा और प्रकाश उत्पन्न होता रहेगा ओके। तो ये तो था बेटा इसकी वर्किंग, जो बेटा आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, कहां से क्वेश्चन आता है वही अपन इस पे लिखने की कोशिश करेंगे ओके। तो चले बेटा आगे, कितनी वाट की बनाई जाती है सब चीज देखेंगे बेटा, टेंशन मत लो, हर एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। एक चीज और बता दूं कि वोल्टेज के बारे में बात कर ली, करंट के बारे में भी तो बात कर लें भाई, इसमें करंट कितनी रहती है, तो इसको भी बेटा नोट कर लें आप साथ साथ में। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आप डाल दें करंट के लिए, तो मैं यहां पर लिख दूं, टेक्निकल टीम दिखाई दे रहा है ना, कहां तक दिखाई दे रहा है एक बार दिखा दें ओके हाँ। तो बेटा मैं यहां पर क्या बात कर लेता हूं, करंट कितनी चाहिए भाई, तो बेटा ध्यान रखना एक एम्पियर, कितनी एक एम्पियर प्रति, एक एम्पियर प्रति मीटर, प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से, हिसाब से करंट की आवश्यकता होती है, होती है हो गई। अब बेटा मैंने माना कि जो अपनी ट्यूब है नियॉन साइन, ये तो अपने पास एक से
पांच मीटर की है तो इसके लिए कितनी करंट की रिक्वायर्ड होगी? तो एक मीटर के लिए एक एम्पियर होगी, तो पांच मीटर के लिए कितनी होगी? पांच एम्पियर की होगी। तो अपन कह सकते हैं एक से पांच मीटर न्योन साइन लैंप के लिए लिए करंट की आवश्यकता एक से पांच एम्पियर होगी। हो गई, ये लो, ये करंट भी इतनी चलती है इसके अंदर। ओके, इतना मामला रहेगा, इतनी वोल्टेज रहेगी, इतना करंट रहेगा, तब ये चालू हो जाएगी। चालू तो हो गई, चालू तो अपने पास हो गई है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा चालू होने के बाद में भी बेटा क्या इसको भाई 5000 वोल्टेज की आवश्यकता रहेगी क्या? एक से 5000 वोल्टेज की तो नहीं रहती है। जब ये लैंप प्रॉपरली आपका जल जाएगा, प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन टकराव हो गया, गैन का आयनीकरण हो गया, आयनाइजेशन हो गया, कुछ भी बोले बेटा, आयनीकरण, आयनाइजेशन, गैस डिस्चार्ज हो गई, तो उसके बाद में क्या होगा कि इसको इतनी वोल्टेज की रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि बेटा गैस को डिस्चार्ज करने के लिए अपने को इतनी सारी वोल्टेज की आवश्यकता हो रही है। जब ये बेटा गैस का आयनीकरण हो गया, मतलब जलने लग गया, मतलब प्रॉपरली मतलब जलने लग गया आपका, तो आयनीकरण तो हो चुका है, तो उस टाइम आपको वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कितने की? 110 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो नोट करें बेटा, पहले तो इसको नोट करें, फिर मैं लिखवाता हूं उसके बारे में। गुड मॉर्निंग सर, ये कौन है? भूपेंद्र मीना। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग, आगे चलें। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन थोड़ा सा और, कि जब आपका क्या हो जाए, यहां पर लिख देता हूं मैं, जब नियॉन साइन लैंप पूर्ण प्रकाशित हो जाए, तब 110 वोल्टेज की वोल्टेज पर कार्य करता है, 110 वोल्टेज पर कार्य करता है। और ये जो लैंप होता है ना, इस लैंप को इसीलिए ज्यादा जाना जाता है बेटा, एक तो ये विज्ञापन में काम आता है, और दूसरा बेटा जो इसकी आयु है ना, सब लैंपों से ज्यादा है, खराब नहीं होता ये जल्दी से, खराब नहीं होता, इसकी आयु बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? 10000 घंटे होती है इसकी। चलें, बिल्कुल बेटा, जय के लिए भी है, जय में तो डाटा यही पूछा जाता है यार, जय में कौन सा प्रश्न जाता, आपके एसएससी जय की बात कर लें तो यही पूछा जाता है कि बेटा जो नियॉन साइन लैंप है किस सप्लाई पे ऑपरेट होता है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्या? नियॉन साइन लैंप की जो लेंथ है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन अपने जयन में भी आते हैं। ओके, तो जयन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चले आगे, नेक्स्ट मैं बात करता हूं डिप्लोमा डिग्री ITI स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? बस अब वहां पर बेटा एक चीज कर लेते हैं, अपन डिग्री के अंदर या डिप्लोमा के अंदर यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं ना, बस बेटा यूटिलाइजेशन का एक पार्ट है ये, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी ये भाई कितने ल्यूमन वाट इसकी दक्षता होती है। तो देखें, मैं नोट करके लिखवा देता हूं बेटा, साफ कर दूं इसको प्रॉपरली, आ गया होगा। अब चलते हैं आगे कि बेटा, बस अब दो तीन बातें और याद रखनी है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको क्या याद रखना है कि ये जो लैंप है कितने ल्यूमन वाट का बनाया जाता है, या फिर कितनी ल्यूम इसकी दक्षता कितनी होती है, ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे आ जाए तो कैसे इसका होती है वो और डिस्कस कर लेते हैं, लाइट डिस्कस कर लेते हैं, यूज डिस्कस कर लेते हैं, और खत्म हो गया लैंप, बस मेनली तो यही था। चलें, अब बेटा याद रखें, आपको एक नोट करके याद रखना है कि इस लैंप की ल्यूमिनस दक्षता जो होती है वो होती है आपकी 15 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट। तो देखें, ल्यूमिनस एफिशिएंसी
ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी? ल्यूमिनस एफिशिएंसी 15 से 40 ल्यूमिनस फ्लक्स पर वाट होती है। यूनिट तो जानते ही हो। बात करते हैं आगे इसकी उम्र की, आयु की, लाइफ की। तो आयु जो होती है वो होती है आपकी 10,000 घंटे। ओके, काफी अच्छी आयु है। नेक्स्ट बात करें यूज, ब्रैकेट में लिख दो बेटा उपयोग, कहां पर करते हैं इसका उपयोग है? उपयोग कहां पर करते हैं बेटा इसका उपयोग बताते हैं, विज्ञापन कार्यों में करते हैं ना, विज्ञापन कार्यों में किया जाता है। ये लो, ये आपका लेंथ यहीं पर खत्म होता है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा 15 से 40 वाट। ओके, और बेटा ल्यूमेन प्रति वाट। ओके, राम राय मीणा बिल्कुल। हाँ प्रॉपर बेटा, मॉर्निंग में हमेशा क्लास रहती है। चले आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो हुआ बेटा अपना नियॉन साइन लैम्प, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे अपन चलते हैं आर्क लैम्प के बारे में बात करते हैं। चले आगे, तो अब बेटा हेडिंग डालें आर्क लैम्प। ये लो नियॉन साइन लैम्प हो गया आपका। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना? अभी जो अपने पास क्वेश्चन एक पूछा गया था उसमें यही था ना कि नियॉन साइन लैम्प की जो आपके ट्यूब होती है वो कितने मीटर की होती है? 5 मीटर तक होती है। क्वेश्चंस पढ़ा होगा इवनिंग में अगर आपने पेपर सॉल्व किया मेरे साथ में। और जो बच्चे पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं मॉर्निंग में आ रहे हैं ना थ्योरी पढ़ने के लिए, इवनिंग में भी आया करो क्योंकि पता चले बेटा पढ़ना क्या क्या है आपको। और पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया करो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दिया करो। जो भी बेटा आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिल रहा है पढ़ो उसको, देखो सही क्वेश्चंस आ कहां से रहा है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालें कार्बन आर्क लैंप। कौन सा? कार्बन आर्क लैंप। हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? कार्बन आर्क, आर्क लैंप बोलते हैं, ठीक है ना? चलें अब कार्बन आर्क लैंप समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिनेमा घरों में यूज करेंगे कार्बन आर्क लैंप को, बहुत अच्छा है, काफी इजी तरीके से पढ़ेंगे। 5 मीटर के बेटा, बिल्कुल 5 मीटर पवन कुमार, ठीक है ना? अपन ने डिस्कस कर लिया है, आगे चलते हैं। वीडियो ज्यादा शेयर किया करो यार, और बच्चे भी कनेक्ट हो जाए, थोड़ा मजा आ जाए। कम लाइव चलते हैं बेटा, पढ़ाने का मन कम होता है। ज्यादा लाइव आएंगे बेटा उतना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहती है ना? तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जैन अकेडमी परिवार बेटा स्पेशल आपके लिए है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपके लिए दिए जा रहे हैं कि कोई ना कोई बच्चा यहाँ से सक्सेस होए। हमारी मनोकामना तो यही रहती है हमारी तरफ से बेटा, 100% एफिशिएंसी लगाई जा रही है कि हमारा जो डाटा है वो सभी बच्चों के पास पहुंचे, बिल्कुल बिना कॉस्ट के पहुंचे। कोई बेटा चार्ज नहीं लगने वाला यहाँ पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ, अच्छी तरह से डिस्कस करें, क्वेश्चन को डिस्कस करें। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि बेटा ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो यार, और बच्चे भी तो आ जाएँ। चलें आगे, अब देखते हैं कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप पहले तो बेटा किस सिद्धांत पर काम करता है अपने को मैं थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देना चाहूँगा और उसके बाद मैं इसको लिखवाऊँगा। मानना बेटा मेरे पास ये दो मार्कर है ना, एक आपको रेड दिखाई दे रहा है, एक आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हो कि ये तो रेड कलर किसका होता है? लाइव वायर का, मतलब कि आपका पॉजिटिव तार का जिसमें करंट आती है। ये हो गया आपका ब्लैक, हो गया न्यूट्रल, है ना? दोनों को बेटा मैंने बहुत कम दूरी पे रखा है। ये देखो दोनों को बहुत कम दूरी पे रखा है, कहने का मतलब बेटा आपका 1.5 से 6 सेमी के बीच में दोनों का मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है, ठीक है ना? अब दोनों को डिस्टेंस मेंटेन किया है, इसको मैं अगर सप्लाई से जोड़ दूं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पर दोनों के बीच में जहाँ मेरी अंगुली है ना, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या होगा? एक आर्क उत्पन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आर्क मतलब चिंगारी पैदा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इस वाली करंट क्या करेगी? न्यूट्रल में जाना पसंद करेगी, सीधी सी बात है,
पॉजिटिव है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगी, तो इसमें जाएगी तो आरक उत्पन्न होगा। इसमें जो बेटा आरक उत्पन्न होगा ना, उसी से अपन क्या करेंगे, प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं, और वो कहलाता है आपका कार्बन आरक लैंप। हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना। तो इसी सिद्धांत पे काम करवाना है बेटा, तो इसको लिख लें आप। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगभग 1.5 से 6 mm का एयर गैप रखते हुए, यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच 1.5 से 6 mm का एयर गैप रखते हुए, क्या रखते हुए, एक पॉइंट कितना गैप रखना आपको, आपसे पूछ ले तो 1.5 से 6 mm का गैप रखना है, ठीक है ना। रखते हुए इन पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, है तो इस गैप में, किसमें, इस गैप में आरक उत्पन्न होता है, बस ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो बेटा कार्बन आरक लैंप बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले तो नोट कर लें बेटा, फिर पढ़ते हैं आगे इसको। सिंपल लैंप है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चलें, हो गया, कुछ कमेंट देख लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। हाँ चंदन प्रसाद, बिल्कुल हाँ, लाइव वायर कहते हैं, फेज कह दो यार, बात एक ही है, ठीक है ना। क्यों मकर संक्रांति के बाद आएंगे, अभी पतंग उड़ाने में बिजी है आजकल तो बेटा, कोरोना टाइम में बेटा इतना जयपुर में माहौल तो बेटा इतना पतंगों का रहा नहीं है यार। चले अब डायग्राम से बताता हूँ बेटा, ठीक है ना। हो गया होगा, नोट कर लिया होगा, देखें अब मैं रफ करता हूँ इसको, अब ध्यान से सुनना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है अपने को, दो इलेक्ट्रोड लेने हैं और जो इलेक्ट्रोड के बीच में गैप छोड़ना है वो 1.5 से 6 mm का छोड़ना है। अब बेटा बात करते हैं कार्बन, कार्बन है तो इलेक्ट्रोड काय के बने आपके, कार्बन के, किसके बने, कार्बन के। अब बेटा दो इलेक्ट्रोड बनाने, एक तो पॉजिटिव बनाना है, एक आपको नेगेटिव बनाना है। तो बेटा बनाना कैसे है, कार्बन के होते हैं, कार्बन भी बेटा एक ब्लैक सा कलर का होता है ना, दूसरे से कलर का होता है ना, ये लो मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूं। दो इलेक्ट्रोड बनाने हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रोड है आगे से न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस क्यों रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चिंगारी बेटा आपकी ज्यादा उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। तो आगे से थोड़े आपके न्यूक्लियस होते हैं, हो गया, ये बना दिया न्यूक्लियस बना दिया। यहां पर भी बेटा आपका गैप कितना मेंटेन करके रखना है अपने को, गैप कितना रखना है भाई, 1.5 से 6 mm, ये लो बेटा। एक को तो मैंने खूब बड़ा बनाया है, एक को मैंने पतला बनाया है, मतलब ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि बेटा जो मोटा है, मोटे में क्या करेगा, ये पॉजिटिव का काम करेगा, ये नेगेटिव का काम करेगा, एनोड कैथोड का काम करेगा भाई, ऐसे बोल लो, ठीक है ना, बात एक ही है। अब जो बेटा आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया है, ये तो माना मैंने कौन सा है आपका, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब बेटा मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ तो मतलब आपको सप्लाई तो समझ में आ गई होगी कि भाई इस पे डीसी पे काम करेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स टर्मिनल फिक्स कर देते हैं ना, वहां पर आपकी डीसी सप्लाई काम करती है, और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ये याद रखना है आपको, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दुगना मोटा बनाया जाता है, ओके। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसे ब्लास्टर कहा जाता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि ब्लास्टर कहाँ जुड़ा होता है, किस लैंप में जुड़ा होता है, और तो याद रखना है कार्बन आरक लैंप में जुड़ा होता है। अगर आपको ऐसा कह दे कि थर्मल स्विच कौन से लैंप में जुड़ा होता है तो कॉमेंट करना बेटा, कितने बच्चों को पता है कि थर्मल स्विच कौन से लैंप में जुड़ा होता है। ये कौन बच्चा है जो रिंग भेज रहे हो यार, क्या बात है, कोई रिंग सेरेमनी आ रही है क्या आपकी,
चलें, तो ये क्या कहलाता है आपका ब्लास्टर। ब्लास्टर रेजिस्टेंस के दो, ये लो ब्लास्टर, ये कहलाता है ब्लास्टर रेजिस्टेंस। यहां से अपने क्या करनी है, इसको डीसी सप्लाई देनी है। डीसी सप्लाई दे रही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इधर रख दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इधर, तो बेटा इधर नेगेटिव रख दो। अपने पास लैंप बन के रेडी हो गया है। अब देखिए बेटा, यहां पर जो गैप का अपने को मेंटेन करना है, जो ये गैप है, ये बड़ा गैप, ये कितना है 1.5 से 6 mm है, है ना। और यहां पर अपने बेटा चिंगारी पैदा होगी अभी थोड़ी देर में, देखिए मरकी बताऊं, चिंगारी पैदा होगी। और यहां पर बेटा मैंने एक रिफ्लेक्टर लगा दिया है, ये है रिफ्लेक्टर, प्रकाश को क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट मतलब फैलाएगा, दूर तक फैलाएगा, ये है आपका रिफ्लेक्टर, नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्टर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि इस पे कितनी वोल्टेज आरोपित करना है, तो बेटा ध्यान रखना डीसी का 40 से 60 वोल्टेज आपको अप्लाई करना है। कितने वोल्टेज पे काम करेगा ये अपना, 40 से 60 वोल्टेज पे अपना काम करेगा। अब मैं बात करता हूं, जैसे ही आप 40 से 60 वोल्टेज दोगे, तो यहां ब्लास्टर है बेटा, ये क्या काम करता है, आपका वोल्टेज कम ज्यादा करने के काम आएगा, ठीक है ना। कि स्टार्टिंग में ज्यादा वोल्टेज दे दी तो दिक्कत है बेटा, कि इलेक्ट्रोड आपके खराब ना हो जाए ना, तो धीरे धीरे इसकी वोल्टेज मेंटेन की जाती है, किससे, ब्लास्टर से। अब बेटा जैसे ही आपका क्या करेगा, इतनी सारी वोल्टेज यहां पर आएगी, तो बेटा यहां पर क्या पैदा होने वाला, आपका आरक पैदा होने वाला है, आरक पैदा होने वाला है, ये लो आरक पैदा होगा, ये आरक पैदा होगा, इससे क्या होगा अपने पास प्रकाश उत्पन्न होगा। अरे बेटा चिंगारी पैदा होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो बेटा बस वही प्रकाश उत्पन्न होगा और रिफ्लेक्टर के द्वारा इसे फैला दिया जाएगा, मामला हो गया खत्म। इस सिद्धांत पे ये काम कर रहा है, हो गया। वैसे गैप छोड़ना है, बिल्कुल सिंपल लैंप जिसे बोलते ना वो यही है। अब बेटा क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा बड़ा होता है, तो याद रखना है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दुगना मोटा रखा जाता है। इलेक्ट्रोड काहे के बने होते हैं भाई, कार्बन के, तो इलेक्ट्रोड किसके बने, कार्बन के, तो यहां पर नोट करते रहे, इलेक्ट्रोड काहे के बने, इलेक्ट्रोड काहे के हैं, कार्बन के, किसके, कार्बन के, ओके। दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, कार्बन के, इधर भी लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रोड किसका, कार्बन का, हो गया। बात करते हैं ये दुगना बड़ा होता है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दुगना मोटा होता है, इसको साथ साथ में नोट करते रहें, ठीक है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड साफ लिखते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दुगना मोटा होता है, हो गया बेटा, दुगना मोटा होता है। अब मैं बात करूं कि इसके अलावा कि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कितना प्रकाश उत्पन्न करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कितना प्रकाश उत्पन्न करता है, ये अपन और देख लेते हैं, है ना। तो देखें तो बेटा याद रखें कि जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका 85% कितना, 85% प्रकाश उत्पन्न करने में काम करता है, और बाकी बेटा 10% जो आपका प्रकाश उत्पन्न करने में जो सहायक होता है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो 85 और 10 कितने हो गए, 95, 5 और बच गया, 5% कौन उत्पन्न करता है बेटा, प्रकाश आपका आरक उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इसको भी नोट कर लें बेटा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड 85% तथा नेगेटिव इलेक्ट्रोड 10% और आरक 5% प्रकाश उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, हो गया। अब थोड़ा सा बेटा टेम्परेचर भी देख ले कि बेटा किस किस का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो देखें
जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है मैं इसकी टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का है। ज्यादा टेम्परेचर है तभी तो बेटा ये आपका प्रकाश 85% उत्पन्न करता है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो इसका टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बेटा जिसका तापमान ज्यादा वो प्रकाश ज्यादा उत्पन्न कर रहा है, सीधी सी बात है टेम्परेचर से देखें तो, है ना, हो गया होगा। अरे बेटा रुको, रहे वाट एंड यूज बताएंगे, रुक जाओ। तो मार्कर डार्क यूज करें। ओके बेटा, मार्कर डार्क यूज करें। इसके अलावा बेटा देखें ये कितने, ये पहली बात है बेटा यूज कहां होता है, ऐसा इसका यूज कहां होता है बेटा मैं बता दूं आपका, जो इसका यूज की अगर मैं बात करूं, यूज की मैं बात करूं तो बेटा देखो आजकल तो जो सिनेमा हॉल है ना वो बेटा सैटेलाइट से चलने लगे हैं। पहले आजकल तो सैटेलाइट से आपके सिनेमा हॉल चलते हैं कि उनमें फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे ये मूवी चलने वाली है, ठीक है ना। अभी तो बंद ही पड़े हैं कोरोना के कारण। तो बेटा पहले जो की बात कर रहे हैं कि पहले पता क्या होता था कि तवे आते थे, तवे जानते हो, जैसे आपने सीडी देखी है, सीडी देखी है आपने, तो बेटा सीडी डीवीडी है ना, तो उसमें बेटा अपन क्या डालते हैं, सीडी डालते हैं ना, तो सीडी डालते हैं, सीडी आपकी चलती है ना, तो चलती है उसके बाद बेटा अपने को दिखाई देता है। तो पहले बेटा जो अपने पास फिल्में आती थी ना वो उस प्रकार की सीडियों में आती थी, वो सीडी छोटी नहीं होती थी जैसे अपन यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा तवा होता था, सीडी बोल उसको तवा बोलते हैं, तवा होता था। अब क्या होता था कि उस तवे से आपका बेटा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता था, और प्रोजेक्ट बेटा जो लाइट है वो पड़ती थी आपके कहां पर जाके, पर्दे पे जाके लाइट पड़ती थी, तो बेटा वहां पर अपने को फिल्म दिखती थी। अगर उस पर्दे के सामने अगर आप यूं करके हाथ आगे कर देते थे ना, बाय चांस वो लाइट पड़ रही है उस लाइट के सामने अगर आप हाथ आगे कर देते तो वो फिल्म आपके हाथ में दिखना चालू हो जाती, या फिर बेटा वो आपके हाथ की जगह आगे जो पर्दे पे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे जाता, तो ये दिक्कतें होती थी। तो आजकल बेटा तो वहां पर क्या होता है कि जो आपकी फोकस लाइट डाली जाती थी ना, बात कर रहे हैं अपन किसकी, कार्बन आर्क लैंप की, जो आपकी फोकस लाइट डाली जाती थी पर्दे के ऊपर, तो वहां पर बेटा इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, तो बेटा याद रखना है आपको कि कार्बन आर्क लैंप का यूज कहां होता है, सिनेमा घर में प्रोजेक्ट के रूप में, प्रोजेक्टर में इसका यूज किया जाता है, याद हो जाएगा, सिनेमा घरों में यूज किया जाता था। आजकल तो सैटेलाइट से चलता है मामला, जैसे आपका टीवी चलता है ना वैसे चलता है आजकल सिनेमा हॉल। ओके चले आगे सीधा, तो यूज तो बेटा पता चल गया होगा कहां पर, सिनेमा घर में प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये कितने ल्यूमेन वाट का होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि कितने ल्यूमेन आपके ये फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो याद रखें 20 ल्यूमेन प्रति वाट का आपका फ्लक्स उत्पन्न करने वाला है। कितना? 20 ल्यूमेन आपका प्रति वाट। तो नोट कर लें कि यूज कहां पर होगा, आपका सिनेमा घर में। और बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस एफिशिएंसी की ना, तो कितनी होगी बेटा इसकी, 20 ल्यूमेन प्रति वाट, तो 20 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ओके बस बेटा इसमें इतना ही है लैंप में, हो गया अपने पास कौन सा, कार्बन आर्क लैंप। अच्छा लगा कि नहीं लगा? और याद रखें ओनली फॉर, ये किस पे काम करने वाला है, डीसी सप्लाई पे, किस पे, डीसी पे, और डीसी कितनी चाहिए, 40 से आपकी 60 वोल्टेज चाहिए। हो गया होगा बिल्कुल। ओके तो बेटा ये तो थे अपने साथ में सारे लैंप जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, जो इंपोर्टेंट्स थे, क्या थे, जो आपके इंपोर्टेंट्स लैंप थे उतने अपन, हाँ सर, तो बेटा ये तो थे अपने पास लैंप जिसमें अपने मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो ये थे लैंप अपन ने डिस्कस किए सारे। अब बेटा कुछ लैंप हो जाते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से आपके ऑपरेट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अपन, क्या अन्य लैंप की श्रेणी में रखा है, आपका एलईडी हो गया है ना, सीएफएल हो गया, हैलोजन हो गया, तो इनको अपन नेक्स्ट टाइम एक साथ में देखेंगे।
अच्छा कितने वाट का होता है बेटा? ये आपने जो यूज किया जाता है ये 125 वाट तक यूज बनाते हैं इसको, ठीक है ना, 125 वाट तक। अब बात करें यहाँ तक तो अपन ने इसका देख लिया है सब कुछ कि भाई जो नॉर्मली जो लैंप है अपने हैं, जो अपन इलेक्ट्रिकल में काम आते हैं, यहाँ तक तो थे। अब मैं बात करता हूँ कुछ अलग लैंप थे, कुछ आपके अलग लैंप होते हैं जिनको अन्य लैंपों मैंने रखा था, आपका CFL हो गया, LED हो गया, हैलोजन लैंप हो गया। ये बेटा कुछ लैंप जो है जो आपके किस पे बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे बेस्ड होते हैं, तो उनको एक साथ बेटा अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। सभी बच्चों को हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छे से पतंग उड़ाना बेटा, कोई कांड वांड मत करना, कहीं गिर गिर मत जाना, आराम से पतंग वगैरह उड़ाना। ओके, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। ओके, हमारी जैन अकेडमी की परिवार से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा ध्यान रखना अपना और अच्छी तरह से पढ़ाई पे फोकस करो यार, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ये देखें कि ये फेस्टिवल तो बेटा हर साल आते रहते हैं, पर ये बेटा जो लाइफ चल रही है ना, ये हर साल नहीं आने वाली है। आज इस टाइम बेटा पढ़ने का मौका है, हो सकता है कि अगली बार अगले साल में बेटा मौका मिले कि ना मिले। बेटा इन चीज़ों पर ध्यान न देके थोड़ा फेस्टिवल को कम इन्जॉय करके थोड़ा फोकस करो स्टडी पे। ओके, एक बार सेट हो गए उसके बाद फेस्टिवल बेटा अच्छे धूमधाम से बनाए करेंगे। ओके, तो यहाँ तक बेटा बस मेरा इतना ही है। कल अपने एक बार अपन मॉर्निंग में ऑफ रखेंगे, क्योंकि सारे बच्चे पतंग वगैरह उड़ाना। ओके, तो सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ओके, मकर संक्रांति की राम राम, बाय बाय। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बेटा।